भाजपा की नजर झारखंड के विधानसभा चुनाव पर अटक गई। आगामी 5 महीने बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जेठ की बड़ी दोपहरी में भाजपा आलाकमान ने झारखंड फतह के लिए अपने 2 दुर्जय सेनानायकों को काम पर लगाने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। कल दोपहर ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की संगठनात्मक नियुक्ति कर तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड में होने वाले प्रदेश चुनाव के प्रभारी होंगे, जबकि असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी का दायित्व संभालेंगे। ये तो कल की खबर है जो अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच चुकी है, पर जो खबर का विश्लेषण आप तक नहीं पहुंचा है वो विश्लेषण हम आपको बताते हैं। मेरे लिए सवाल यह बड़ा है कि दिल्ली में झारखंड भाजपा की हार की समीक्षा बैठक हुई भी नहीं कि उससे ठीक एक दिन पहले ही भाजपा आलाकमान ने झारखंड चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की चिट्ठी जारी कर दी। झारखंड को लेकर भाजपा आलाकमान आखिर इतनी आक्रामकता, इतनी जल्दबाजी में फैसले क्यों कर रही, जबकि सच यह है कि अमूमन ऐसी नियुक्तियां समीक्षा बैठक के बाद ही की जाती। इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अगर शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा की जोड़ी को झारखंड जीतने का टास्क सौंपा गया है तो सवाल है कि इन्हीं दो की जोड़ी को ही क्यों। शिवराज सिंह चौहान के साथ कोई छोटा कद का भी तो नेता हो सकता था, दोनों बड़े कद वाले को ही जिम्मा क्यों दिया गया। हमने अक्सर देखा है कि चुनाव प्रभारी का पद मुख्यतः किसी अनुभवी प्रशासक या अति जिम्मेदार व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि सह प्रभारी का दायित्व तो संगठन के ही किसी पुराने और जमीनी नेता को सौंपा जाता है, जिसकी महत्ता उतनी अधिक नहीं होती जितनी चुनाव प्रभारी की होती है। पर यहां प्रभारी और सह प्रभारी दोनों हाई वेटेड नेता हैं, दोनों कद्दावर, दोनों दिग्गज, दोनों के पास शानदार राजनीतिक अनुभव है। दोनों हैवीवेट नेता के भरोसे झारखंड जीतने का बीजेपी का आखिर मास्टर प्लान क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दो नेताओं के हाथों झारखंड फतह करने की जवाबदेही देकर भाजपा आलाकमान ने बाबूलाल को बता दिया कि लोकसभा में जितना फ्री हैंड मिलना था मिल गया, विधानसभा चुनाव इकलौते आपके भरोसे नहीं लड़ सकते। अब आइए मेरे तीसरे और आखिरी सवाल पर। क्या अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे दो पॉलिटिकल ब्रिगेडियरों के बीच कम से कम विधानसभा चुनाव तक सामंजस्य स्थापित रहे, बना रहे, और प्रदेश भाजपा फिर आपसी गुटबाजी में फंसकर विधानसभा चुनाव में भद न पिटवा ले, कहीं इसके लिए तो दो धाकड़ नेता शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा की तैनाती तो नहीं हो गई? बात सिर्फ इन दो नेताओं की पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं है दोस्त। विधानसभा चुनाव से पहले ही दुमका और गोड्डा में भाजपा संगठन के अंदर जो भसड़ मची है उस अंतर्कलह से विधानसभा चुनाव में संथाल परगना में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुणाल सारंगी जैसे युवा चेहरे गुटबाजी के कारण ही प्रदेश प्रवक्ता के दायित्वों से पार्टी को इस्तीफा सौंप देते हैं, ये कोई हल्की बात नहीं। बाबूलाल जी और करमवीर जी के होते हुए भी विधायक और सांसद एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम कॉन्फेसिंग कर रहे हैं। क्या संगठन के अंदर इसी गुटबाजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए दिल्ली हाईकमान को शिवराज जैसे सॉफ्ट और हेमंत जैसे हार्डलाइनर को झारखंड भेजा गया है? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि भाजपा ने पूर्व और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के कंधे पर क्यों सौंप रखी है झारखंड को फतह करने की समुचित जवाबदेही। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का विश्लेषण वाला कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद जो नतीजे झारखंड से आए वो भाजपा के लिए 11,000 वोल्ट के झटके से कतई कम नहीं थे। झारखंड में मोदी और शाह के बीते 5 वर्षों की अनवरत कोशिश चुनाव परिणामों के बाद मिट्टी में पालीद होती नजर आई और प्रातः स्मरणीय आदिवासियों को साधने की बाबूलाल मरांडी की कोशिशों पर
कल्पना की उभार ने पानी फेर दिया। भाजपा झारखंड के सभी आदिवासी सीटें हार गई। बाबूलाल भाजपा में अपने होने का अर्थ साबित करने से चूक गए। कार्यकर्ता 400 के अति उत्साही नारे में फंसकर अपने अहाते तक सीमित रह गए और आरएसएस बीजेपी के उस अहम पर चोट कर गई जिस अहंकार में बीजेपी विचार आधारित पार्टी के गर्भगृह से निकलकर व्यक्ति आधारित संगठन की तरफ आगे बढ़ने की चेष्टा करने लगी थी। गिनाने को तो बहुत सी चीजें गिनाई जा सकती है, पर झारखंड भाजपा के सर्वे सर्वा बाबूलाल फिलहाल अपनी पार्टी के हार के विभिन्न कारणों को गिनाने के लिए आज रांची स्थित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। अब आइए विषय पर। पहला विषय यह कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा आलाकमान ने झारखंड प्रदेश का चुनाव प्रभारी आखिर क्यों बनाया है? इसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, इसे समझते हैं। देखिए, ओबीसी समाज से आने वाले शिवराज सिंह चौहान भाजपा के वे मैजिक मैन हैं जिन्हें अपने दम पर संगठन पर नियंत्रण रखकर सरकार बनाने और चलाने का हुनर हासिल है। इसी हुनर की बदौलत शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। फिलहाल झारखंड प्रदेश संगठन पर भाजपा का लगाम थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, इसलिए इसे दुरुस्त करने के लिए शिवराज जैसे माहिर लोग ही चाहिए जो विधानसभा चुनाव तक संगठन पर बेहतर नियंत्रण, बेहतर पकड़ बनाए रख सके और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर पाए। शिवराज सिंह चौहान की छवि एक कुशल प्रशासक की रही है। सामंजस्य बिठाने में वे माहिर बताए जाते हैं। रणनीति इतनी अचूक बनाते हैं कि लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम पर बीजेपी की बहुमत के साथ अपने राज्य एमपी में वापसी करा जाते हैं। फिलहाल कुछ ऐसी ही अचूक रणनीति की जरूरत झारखंड भाजपा को भी है जो पार्टी को आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 सीटों पर रिवाइव करा सके, क्योंकि जिस रणनीति पर बाबूलाल पार्टी और संगठन को लेकर अकेले जा रहे थे उस रणनीति से भाजपा राज्य की सत्ता से नजदीक नहीं बल्कि कोसों दूर होती हुई दिखाई दे रही थी। शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक परिपक्वता इतनी है कि उनके बचपन के दोस्त आज भी उनके बारे में यही बतलाते हैं कि शिवराज की पत्नी को भी शायद ही पता हो कि वो अपने किस मित्र और शत्रु के बारे में क्या करने की सोच रहे हैं। राजनीति में चाणक्य मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की विनम्र छवि उनकी राजनीतिक पूंजी है। इन तमाम विशेषणों के समायोजन से किसी नेता की तासीर बनती है, किसी नेता की तासीर उभरती है तो वो दिग्गज भाजपाई नेता है शिवराज सिंह चौहान। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के राजनीतिक सिद्धांत पर चलने वाले शिवराज बाबूलाल को सेफ पैसेज भी देंगे और अर्जुन मुंडा को भी। दोनों को फिलहाल कोई साथ लेकर आगे चल सकता है तो वो शिवराज सिंह चौहान ही हैं जिनके पास अर्जुन मुंडा और बाबूलाल से भी कहीं ज्यादा संगठन और सरकार को चलाने का राजनीतिक अनुभव है। बात सिर्फ बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को साथ लेकर चलने तक ही महदूद नहीं है। बात दुमका में पार्टी के अंदर मचे कोलाहल को शांत करने की है। बात गोड्डा में नारायण दास और निशिकांत दुबे के झगड़े को निपटाने की भी है। शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाकर बीजेपी ने बड़े फैसले तो ले लिए, लेकिन अब कड़े फैसले लेने की बारी इन दो जोड़ियों पर है। चुनाव प्रभारी के पद पर शिवराज सिंह चौहान की ड्यूटी क्यों लगी यह तो हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया, पर आपको अब यह बताते हैं कि सह प्रभारी के पद पर भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जैसे इतने बड़े कद के नेता को दायित्व भाजपा ने क्या सोचकर सौंपा है, जरा इसके बारे में भी विवेचना होनी ही चाहिए। देखिए, जिस अंतर कला से फिलहाल प्रदेश भाजपा का संगठन जूझ रहा है ना, उस संगठन को नर्म छवि वाले शिवराज के साथ साथ हार्ड लाइनर हेमंत बिस्व शर्मा की जोड़ी ही उबार सकती है। हेमंत की छवि और उनका व्यक्तित्व शिवराज सिंह चौहान से बिल्कुल उलट है। हेमंत बिस्व शर्मा को पूर्वोत्तर का अमित शाह भी कहा जाता है। जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर हेमंता पलक झपकते सरकार बनाने और गिराने का जादू जानते हैं। कहते हैं कि हेमंत चुनाव में स्ट्रांग नैरेटिव बिल्डर है, सख्त प्रशासक की उनकी छवि है, इसलिए लुंज पुंज व्यवस्था के आदि नहीं है, जो व्यवस्था प्रदेश संगठन की बनी हुई है। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती झारखंड में होगी या होने वाली है वो है पार्टी के अंदर हर रोज बढ़ती हुई आंतरिक कलह। दुमका गोड्डा में भाजपाइयों के बीच आरोप प्रत्यारोप पर तुरंत विराम लगाना होगा, वरना स्थितियां बद से बदतर होती चली जाएंगी।
दूसरी चुनौती आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों पर कायदे से प्लान करने की होगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में सिर्फ 2 पर किसी तरह चुनाव जीत पाई थी। भाजपा को तब झारखंड के आदिवासी समाज ने सिरे से नकार दिया था। आदिवासी समाज को आज भी रघुवर दास के CNT-SPT एक्ट के संशोधन का गलत फैसला बहुत अच्छे से याद है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान और हिमंता के लिए तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी आदिवासियों के बीच पार्टी की यानी भाजपा की बिल्ड इमेज को तोड़कर नई इमेज का रीडेवलपमेंट करना, जो कि सबसे ज्यादा कठिन काम लगता है, क्योंकि संकल्प यात्रा के जरिए बाबूलाल झारखंड के सभी 81 विधानसभाओं में प्रयास पहले ही कर चुके हैं। आदिवासी रिजर्व सीटों पर लोकसभा चुनाव का नतीजा बता रहा है कि बाबूलाल का प्रयास कितना सार्थक रहा और कितना नहीं। चौथी सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगती है वो यह होगी कि टिकट बंटवारे में आयातीतों पर ज्यादा निर्भर पार्टी को नहीं रहना होगा। इसके लिए हेमंत को भी सोचना होगा, यानी हेमंत विश्व शर्मा को, और दूसरा शिवराज सिंह चौहान को भी। अब जानते हैं कि भाजपा इसी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से तोड़कर गीता कोड़ा को लाई और सिंहभूम से चुनाव लड़ाई। नतीजा क्या हुआ? पार्टी चुनाव हार गई। झामुमो से सीता सोरेन को भाजपा में लाया गया और दुमका से उन्हें भी चुनाव लड़ाया गया। नतीजा क्या हुआ? भाजपा चुनाव हार गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में ऐसे कई प्रत्याशी थे जिन्हें रघुवर दास झामुमो या फिर कांग्रेस से लेकर आए और चुनाव लड़वाया भाजपा की टिकट पर उनमें भी ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव हार गए। भावार्थ यहां यह है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट बंटवारे का फैसला इन दो दिग्गजों को करना होगा, वरना किसी एक के कहने पर टिकट दिया गया तो उन्हें ज्यादा या फिर ज्यादा प्राथमिकता ही क्यों ना दी गई तो असंतोष उपजेगा, जिसे आखिरी वक्त तक मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि इसी तरह के आरोप तो फिलहाल बाबूलाल मरांडी पर लग रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में JVM गुट को एक्टिव रखा, उन्हें ही सबसे ज्यादा तरजीह दी। बहरहाल, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर मोदी और शाह ने झारखंड फतह के लिए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा को क्यों टास्क सौंपा है। हमने इसकी विस्तृत विवेचना भी की। अगर आप इन दो दिग्गज नेताओं की नियुक्ति पर कुछ अलग नया सोच पा रहे हैं, कुछ और नया इनपुट लेकर आ पा रहे हैं, तो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। बाकी द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट सियासी कहानी के आज के संक में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।